कहीं अनकहीं खबरों की परतों के दर परतों के बीच छिपी बातों को आप तक लेकर आते हैं, उसका हम एनालाइज करते हैं मिस्टर एनालाइजर में। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त जब पूरी दुनिया ध्रुवों में बांटी जा रही थी और पूरी दुनिया में जंग फैली हुई थी, तब सिर्फ गोलाबारी, बारूद, हथियार, इसका ही इस्तेमाल नहीं हो रहा था, प्रोपेगेंडा, इसका भी जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा था। एक ऐसा हथियार जो कि हिटलर के प्रोपेगेंडा चीफ जोसेफ गॉबल्स ने जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते हुए इस बात को साबित किया था कि अगर एक झूठ को कई बार दोहराया जाए तो वो झूठ झूठ नहीं रह जाता बल्कि सच बन जाता है। आज सेकेंड वॉर नहीं है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में शांति के बावजूद प्रोपेगेंडा वॉरफेयर आज हमारी देश की वास्तविकता ही नहीं, दुनिया की वास्तविकता है। और इस प्रोपेगेंडा वॉर को जब भारत के खिलाफ खेला जाए, जिसमें पहले पाकिस्तान ने कश्मीर के प्रोपेगेंडा के नाम पर भारत को बदनाम करने की कोशिश की थी, उसके बाद भारतीय न्यायपालिका के ऊपर एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर कर इस पूरे मामले को अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की, ये तमाम बातें आज आपके सामने रखेंगे और इस झूठ के बाजार को हम बेनकाब करेंगे। एक ऐसा झूठ का बाजार जो भारत को अस्थिर करने के साथ साथ भारतीय लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। कौन है वो लोग, कौन है वो संगठन, इसके बारे में हम आपके सामने बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव और इसमें क्या है सवाल जवाब, ये तलाशने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने से पहले ही सरेंडर के मोड में है। लग ही नहीं रहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी है। फिर बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर ममता बनर्जी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी इस बार खलबली मचाना चाहती है, कैसे, ये आपके सामने रखेंगे। और फिर हम आपके सामने एक विस्तृत जानकारी इस बात की रखेंगे कि देश में गांधी परिवार के अलावा जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन प्रधानमंत्रियों के परिवार के सदस्य आज क्या कर रहे हैं, अगर जो राजनीति में है, राजनीति के अखाड़े में किस पार्टी के साथ हैं। आपको जानकर यह अचरज होगा कि देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के बच्चे या उनके परिजन आज एनडीए का हिस्सा है। इस पर से भी हम परत आपके सामने खोलेंगे, लेकिन आइए आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। भारत में आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, नामांकन जारी है और ऐसे में दुनिया भर में लोकतंत्र पर नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है जो आज भारत में मनाया जा रहा है। इस लोकतंत्र पर लेकिन कई ऐसे देश हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे पहले जर्मनी ने यह सवाल खड़ा किया कि भारत में विपक्ष को कमजोर करने के लिए एक बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है। भारत सरकार ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत सरकार ने जर्मनी के राजनयिकों को बुलाकर अच्छी चेतावनी दी। उसके बाद अमेरिका ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही, भारत ने फिर अमेरिका को भी चेताया, अमेरिका ने दूसरी बार ऐसी हिमाकत की। और उसके बाद आज ताजा मिसाल यह है कि संयुक्त राष्ट्र में भी इस बारे में इस बात सामने आई है कि भारत में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा है? सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं ये दो वीडियो जिसमें संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रवक्ता ने भारतीय लोकतंत्र पर जो सवाल खड़े किए हैं चुनावी प्रक्रिया को लेकर, चुनावी प्रणाली को लेकर, वो आप देखिए। और उसके बाद अमेरिका के राजनयिक ने जिस तरीके से ये बातें सामने रखी हैं वो आपके सामने रखी। ऐसे में हम एक बात आपके सामने रखकर पूछना चाहते हैं कि आप जरा बताइए, 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने जब चुनाव हारा था और उसके बाद वो सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो अमेरिका के कैपिटल हिल पर जो तमाम लोकतंत्र का हनन हुआ था, क्या उस वक्त भारत ने कोई सवाल उठाया था? नहीं। जर्मनी में, फ्रांस में जब एक तरह से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था, या अभी आप फ्रांस की तस्वीरें देख रहे हैं और जर्मनी की भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर येलो जैकेट प्रोटेस्ट हुआ था, उस वक्त क्या भारत ने जर्मनी और फ्रांस के लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए थे? नहीं। ऐसे कई मामले आए हैं। पूरे यूरोप में आज एक माहौल बना हुआ है, चाहे आप इटली की बात करें, चाहे आप ग्रीस की बात करें, चाहे आप किसी भी अन्य देश की, यूरोपीय देश की बात करें, जहां इमिग्रेंट इश्यू बहुत बड़ा है। कहा जाता है कि हम कोई भी इमिग्रेंट को आने नहीं देना चाहते जो कि इस्लामिक देशों से आ रहे हैं। क्या भारत ने कभी लोकतंत्र का झंडा फहराने वाले इन किसी भी देश के ऊपर कोई सवाल खड़े किए? नहीं साहब, ऐसा नहीं हुआ।
तो आखिरकार आज भारतीय लोकतंत्र के ऊपर ये सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं, और वो भी तब जब ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भारतीय लोकतंत्र का गला घोटने के बराबर है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के खाते को जब फ्रीज किया जा रहा है तो ये गलत है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, आपके सामने ये दो कथन सामने रख रहा हूं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र ने क्या कहा ये देखिए, अमेरिका की सरकार ने क्या कहा ये देखिए, फिर इसके बाद वो सच आपके सामने उजागर करेंगे हम, जिसके बारे में अभी तक आपने सोचा भी नहीं होगा। What we very much hope that in India and that in any country that is having elections, that everyone's rights are protected, including political and civil rights, and everyone is able to vote in an atmosphere that is free and fair. So with respect to the second question, we continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal. We are also aware of the Congress Party's allegations that tax authorities have frozen some of their bank accounts in a manner that will make it challenging to effectively campaign in the upcoming elections, and we encourage fair, transparent, and timely legal processes for each of these issues. With respect to your first question, I'm not going to talk about any private diplomatic conversations, but of course, what we have said publicly is what I just said from here, that we encourage fair, transparent, timely legal processes. We don't think anyone should object to that. तो जो वास्तविकता हमने आपके सामने रखी कि दोनों तरफ से क्या बयान सामने आए, लेकिन इसमें एक ऐसी तस्वीर है जो इस पूरे गुत्थी को सुलझाती है कि यह प्रोपेगंडा कहां और कैसे शुरू हुआ। मैं प्रोपेगंडा शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं यह आपको समझना बहुत आवश्यक है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक व्यक्ति की तस्वीर। यह व्यक्ति है एक पत्रकार, वॉशिंगटन बेस्ड बांग्लादेशी ओरिजिन का यह पत्रकार है, जिसकी तस्वीर अभी आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे। यह तस्वीर नहीं, यह तस्वीर हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और यह तस्वीर आपको बताती है कि किस तरीके से यह पत्रकार जो है यह भारतीय पूरी लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर रहा है। एक टूलकिट गैंग है जो कि खड़ा होकर भारत में इसके बारे में बात करता दिखाई देगा। यह तस्वीर हम आपके सामने खुलासा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि एक बांग्लादेश ओरिजिन का यह पत्रकार है जिसने संयुक्त राष्ट्र की एक्रेडिटेशन ले रखी है, उसी ने यह सवाल अमेरिका के स्टेट ब्रीफिंग में रखा, उसी ने यह सवाल संयुक्त राष्ट्र की ब्रीफिंग में भी रखा। एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति आपके सामने होगा। आप ये तस्वीर देखिए। How do you perceive the political unrest in India just before the national election with the arrest of Delhi's chief minister and the freezing of the opposition Congress party's bank accounts? The right groups describe the situation as a crackdown on opposition reaching a crisis point ahead of the national election. What is your response to India's summoning of the US diplomat over comments regarding the arrest of Delhi's chief minister Kejriwal? And how do you view the recent political turmoil in India, including the freezing of the opposition party's bank account, as the Amnesty International described the situation, crackdown on opposition reaches a crisis point ahead of national? आपने देखा ये तस्वीर, इस व्यक्ति की तस्वीर जो अभी हमने आपके सामने रखी है, यही वो व्यक्ति है, एक व्यक्ति जिसका नाम मुशफिकुल फजल अंसारी है। ये बांग्लादेश की पैदाइश वाला एक वॉशिंगटन बेस्ड जर्नलिस्ट है जो इंडिपेंडेंट थिंकर के तौर पर, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करता है। इसके पास व्हाइट हाउस का एक्रेडिटेशन है, इसके पास संयुक्त राष्ट्र का एक्रेडिटेशन है। यही व्यक्ति जानबूझकर ऐसे लीडिंग सवाल रख रहा है जिसके जवाब में संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता और अमेरिकी प्रशासन के प्रवक्ता ने अपनी बातों को सामने रखा है। ये बांग्लादेशी मूल का एक स्वतंत्र पत्रकार है, जैसा कि हमने आपको बताया। इसके फेसबुक पेज को अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति किस तरीके से एक पूरा प्रोपेगंडा वॉरफेयर भारत के खिलाफ खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जाहिर सी बात है, यह अकेला नहीं हो सकता। यह उसका फेसबुक अकाउंट है जो अभी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें उसके काम का पूरा ब्यौरा भी लिखा हुआ है। यह व्यक्ति साउथ एशियन पर्सपेक्टिव का अपने आप को प्रतिनिधि बताता है, कार्यकारी संपादक बताता है। ये राइट टू फ्रीडम का कार्यकारी निदेशक भी अपने आप को बताता है, और एक जस्ट न्यूज बीडी नाम के मीडिया संस्थान से भी अपने आप को जुड़ा हुआ बताता है।
यानी कि किसी भी एक संस्थान में, किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में ये व्यक्ति काम नहीं करता है। लेकिन ये व्यक्ति ऐसे लीडिंग सवाल पूछ रहा है जिसमें ये अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहा है, भारत सरकार के ऊपर लोकतंत्र का गला घोटने के आरोप लगा रहा है और उसके बाद ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे भारत में मौजूदा मोदी सरकार विपक्ष का गला घोट रही है, कांग्रेस पार्टी को फंड्स से बेरहमत अलग करती दिखाई दे रही है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर पूरे भारतीय लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा कहर ढाया जा रहा है, ये तमाम बातें ये व्यक्ति कर रहा है। इतना ही नहीं, इस व्यक्ति को आतंक निरोधी शाखा ने गिरफ्तार किया था बांग्लादेश में, ये जमायत इस्लामी का एक सदस्य बताया जा रहा है। ये व्यक्ति बांग्लादेश से भागा हुआ है, भगोड़ा है, और इसे बांग्लादेश ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। चरमवादी इस्लामिक संगठनों से इसके पूरे संबंध हैं, इसके संबंध पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI से भी बताए जा रहे हैं। ये भारत विरोधी प्रोपगंडा और एजेंडा को चलाने में पूरे तरीके से इसमें शामिल रहा है। जब ये व्यक्ति दो जगहों पर जाकर एक ही सवाल पूछ रहा है, तो मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जरा बताइए, ये सोची समझी रणनीति और साजिश है कि नहीं? जो व्यक्ति आतंकवादी संगठनों से जुड़ा है, पाकिस्तान की फंडिंग के संगठनों से जुड़ा हुआ है, जो भगोड़ा है, जो बांग्लादेश में नामचीन अपराधी है, क्या वो व्यक्ति पत्रकार के तौर पर उसका चोला पहनकर भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाता हुआ सफल तरीके से देखा जा सकता है? और इसके साथ ही मैं एक सवाल और उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं जो भारत में रहकर एक ऐसी विचारधारा का समर्थन करते हैं जो भारत विरोधी है, जो तमाम ताकतें भारत की संप्रभुता, भारतीय सॉवरेनिटी, भारत के लोकतंत्र, भारत की चुनावी प्रणाली, भारत की सरकार, इन तमाम चीजों पर एक साथ सवाल खड़े करें और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजा करने की कोशिश करें, ऐसे लोगों के समर्थन में जब भारतीय मूल के लोग और भारतीय जो लेफ्ट लिबरल गैंग है भारत में जब इसका समर्थन करता है, तो फिर इसे किस नजरिए से देखना चाहिए? मोदी विरोध समझ में आता है, लेकिन मोदी विरोध इस स्तर पर कि मोदी विरोध के नाम पर देश को भी धूमिल कर दिया जाए, उसके लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े कर दिए जाए, यह अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है। भारत सरकार ने अभी तक जर्मनी और उसके साथ साथ अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उनके अधिकारियों को बुलाया है और स्पष्ट तौर से, साफ तौर से कहा है कि आप भारत के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दे सकते। और यह बात मैं दोबारा दोहरा हूं, अगर भारत ने कैपिटल हिल पर 2020 में हुए आक्रमण पर कोई टिप्पणी नहीं रखी, किसान आंदोलन, इमिग्रेशन पॉलिसी और तमाम यूरोपियन पॉलिसीज पर यूरोप के किसी देश पर कभी कोई सवाल नहीं खड़ा किया, तो आज सवाल यह उठता है कि आखिरकार इन देशों के पास किसी भी प्रोवोकेशन या किसी भी सवाल के जवाब में ये अधिकार कहां से आता है कि देश के सबसे मजबूत लोकतंत्र प्रणाली, हमारी चुनावी प्रणाली पर सवाल खड़े करें? एक ऐसा देश जिसके पास सबसे पहले लोकतंत्र स्थापित हुआ था, याद कीजिए आज से करीबन 3500 साल पहले भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी लिच्छवी के द्वारा बिहार में, और जो आज दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला लोकतांत्रिक देश है, उसके ऊपर इस तरह के सवाल खड़े करना क्या अपने आप में जायज है? और यह सवाल मैं उन तमाम भारतीयों के सामने भी रखता हूं कि आप कैसे भारत के नागरिक हैं कि इस टूल किट गैंग के रास्ते पर आप फंस जाते हैं, बिना जांच पड़ताल किए, बिना किसी भी तथ्य को जांचे और परखे, वो पत्रकार, वो टीकाकार, वो तमाम लोग भारत सरकार, भारत की अस्मिता और भारत की सॉवरेनिटी पर सवाल कैसे खड़े करते हैं जो आज ये मानते हैं कि किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान की छवि को धूमिल करना चाहिए? ये सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको खुद तय करना चाहिए कि आप भारत के सपूत हैं या भारत के कुपुत। आइए अब बात करते हैं, हमारी दूसरी बड़ी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारी दूसरी बड़ी स्टोरी है कि आखिरकार किस आधार पर कांग्रेस ये चुनाव लड़ रही है। इस लोकसभा चुनाव में अभी तक जिस तरीके से चुनाव का प्रचार, चुनाव की कमान, चुनाव में जो एक जोश दिखना चाहिए, वो आपको कहां दिखाई दे रहा है? अगर आप फौरी तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस चुनाव लड़ भी रही है या नहीं लड़ रही है।
कांग्रेस की चुनावी कमेटियां जो 2019 में, उसके पहले 2014 में, उसके पहले 2009 में, उसके पहले 2004 में बनाई जाती थीं, वो कहां है? ऐसी वो तमाम कमेटियां कहां हैं जिसमें वरिष्ठ नेता हुआ करते थे? आज सिर्फ एक इलेक्शन कमेटी है जिसमें बहुत चुने हुए नेता हैं। कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो अलग अलग इलेक्शन कमेटी पैनल्स में हुआ करते थे, आज वो नहीं है। कांग्रेस ने सुचारी चुनावी अभियान भी शुरू नहीं किया है। ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस इस बात को लेकर तैयार ही नहीं है कि उसे चुनावी अखाड़े में उतरकर अपने आप को एक बड़े पार्टी के तौर पर प्रस्तुत करना है। कोई चुनावी समन्वय समिति नहीं बनाई गई है। इस बार कांग्रेस ने सिर्फ एक टास्क फोर्स बनाया है जिसका नाम रखा गया है टास्क फोर्स 2024। इसकी अध्यक्षता अजय माकन कर रहे हैं। ये कैंपेन कमेटी है जिसके भीतर कैंपेन की तमाम अभियान के जो कैंपेन चुनावी कैंपेन के तमाम अभियान के जो निर्णय लिए जाने हैं वही लिए जा रहे हैं। लेकिन इस कैंपेन कमेटी में अभी तक कोई भी हलचल आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। जैसा कि मैं आपको बता सकता हूं, अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं, कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रचार माध्यमों को आगे बढ़ाने के लिए किसी एड एजेंसी को फाइनलाइज तक नहीं किया है। वो तमाम लोग जो कांग्रेस के एड्स को अपने पास चलाना चाहते हैं, जिन्हें उम्मीद थी कि शायद कांग्रेस का एड मिलेगा और उसके आधार पर वो अपने प्रचार प्रणाली को आगे बढ़ाएंगे, उनमें से किसी के पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है। एक वक्त हुआ करता था जब अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी, मधुसूदन मिस्त्री, जयराम रमेश, सब तमाम शामिल हुआ करते थे, लेकिन आज ऐसी कोई कमेटी बनी नहीं है। कोई भी प्रॉपर अभियान शुरू नहीं हुआ है। कोई शीर्ष पैनल अभी तक बना नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कांग्रेस अभी भी उहापोह की स्थिति में है। प्रचार करें तो कैसे करें? अगर वरिष्ठ नेताओं की यात्राओं को सामने करना है तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? हेलीकॉप्टर चार्टर करने हैं, प्लेन चार्टर करना है, उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी ऐसा लग रहा है जैसे वहां कोई जानकारी ही नहीं है। और ये बातें इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता आज ये सवाल कांग्रेस के भीतर पूछ रहे हैं। इनमें से कई नेताओं ने जो कि अपना नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहते, ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार कैंपेन कमेटी कब बैठेगी, कब तय होगा कि कहां कैसे प्रचार किया जाएगा, प्रचार की लाइन क्या होगी, कौन कौन से प्रचारक जो इंपॉर्टेंट प्रचारक हैं वो कहां कहां जाएंगे, कैसे कैसे प्रचारकों का तालमेल बैठाया जाएगा, पार्टी हाईकमान से लाइन कैसे होगी, पार्टी हाईकमान किसे कहां कैसे भेजना चाहती है, ये तमाम सवाल आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुद एक दूसरे से पूछ रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? इस पूरे परिदृश्य को जब आप थोड़ा सा अलग से उठकर देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कांग्रेस, जो कि अभी सीट फाइनलाइजेशन में ही बहुत बड़े पैमाने पर अटकी है, अपने गठबंधन को अभी भी एकजुट करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है और अपने आप को किसी तरीके से रेस में लाने की कोशिश कर रही है। शायद उसने ये मान लिया है कि शायद वो रेस में उस तरीके से है ही नहीं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि हम तैयारी 2024 की नहीं 2029 की कर रहे हैं। ऐसा पहले भी हुआ है जबकि कांग्रेस एक के बाद एक लगातार हार झेलती रही है। वो दौर भी था जब 3 बार कांग्रेस ने एक के बाद एक हार झेली थी, 1996, 1998 और उसके बाद 1999। 3 लोकसभा के चुनाव कांग्रेस ने हारे थे। इसके बावजूद कांग्रेस की कमेटियां हमेशा तैयार रहती थी। रैलियां कहां होने वाली हैं, कैसे होने वाली हैं, कौन किस रैली को एड्रेस करने जा रहा है, इसके लिए पहले से विचार मंथन हुआ करता था, टास्क फोर्स बना करता था, लोगों को पहले से नियुक्त किया जाता था कि किस कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन आज एकदम सन्नाटा है। कांग्रेस के भीतर इस सन्नाटे को देखते हुए अब जो तमाम टीकाकार हैं वो इस बात पर टिप्पणी करने लगे हैं कि क्या कांग्रेस वाकई में इस चुनाव को सीरियसली ले भी रही है, और अगर नहीं ले रही तो क्या ये एक तरफा चुनाव होने जा रहा है? आप कहेंगे ये कैसी बातें हैं, एक तरफा चुनाव होता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है कि जब आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार के अभियान को कितने बड़े पैमाने पर सामने रखा है। कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को खत्म किया, उसके बाद से आपने कोई भी जनसभा के आयोजन की बात देखी? लेकिन इसके ठीक विपरीत आप देखिए, नवंबर दिसंबर 2023 से ही, चाहे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें,
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, तमाम अन्य वरिष्ठ नेताओं की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, नितिन गडकरी जी की बात करें, ये तमाम नेता लगातार जनसंपर्क अभियान में जुड़े हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं। 31 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली मेरठ में होने वाली है, जो कि प्रचार को आगे बढ़ाने वाली है। और ये सब इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इलेक्शन मोड में दिखाई दे रही है, एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है और जनता के बीच में इस मोमेंटम को लेकर उत्साह भी है। एक पार्टी है जो अपने चुनाव प्रचार को लेकर बड़े पैमाने पर आगे है। कांग्रेस टीका टिप्पणी करती है या फिर अन्य विपक्षी दल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो एक इलेक्शन मशीन है, 24 घंटे इलेक्शन के लिए तैयार रहती है, लेकिन चुनाव तो ऐसे ही जीते जाते हैं ना। अभी तो स्थिति यह है कि 200 से भी ज्यादा सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आमने सामने का मुकाबला है। मसलन अगर आप बात करें हिमाचल प्रदेश की, आप बात करें उत्तराखंड की, आप बात करें गुजरात की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने हैं। ऐसे में भी इन राज्यों में आप कोई सुगबुगाहट देख पा रहे हैं? दूसरी तरफ जहां देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक बड़े पैमाने पर सामने दिखाई देते हैं, चुनाव में व्यस्त हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरीके से आज कांग्रेस की नैया जरा डगमगाती दिख रही है, कहीं तैयारी ऐसी तो नहीं कि चुनाव के पहले ही हताशा दिख रही है। और अगर ऐसा हुआ तो यह अपने आप में भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि फिर ये एक तरफा चुनाव होगा और ये आजादी के बाद पहला मौका होगा जहां कोई सक्रिय कारगर विपक्ष नहीं बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी ही अपना अभियान करती दिखाई देगी। क्योंकि अगर आप छोटे दलों को भी देख रहे हैं, जो हम कहते हैं कि राज्य स्तर पर मजबूत दल, जैसे कि समाजवादी पार्टी, जैसे कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी जिन्होंने अपना कैंपेन शुरू कर दिया, डीएमके, एमके स्टालिन चुनावी मोड में है, सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी को देखिए किस जोरदार तरीके से सामने है। आप आंध्र की बात करें जहां जगन रेड्डी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी अपनी तैयारियां कर चुके हैं, उनके प्लान सामने हैं। लेकिन जैसे ही आप कांग्रेस की बात करते हैं, यहां एक शांति दिखाई दे रही है और ये शांति अपने आप में बहुत ही गंभीर है। अब इससे बाहर निकलते हुए आज बात करते हैं, आइए बंगाल की, क्योंकि बंगाल में जो होता दिखाई दे रहा है वो इस देश की राजनीति को एक अलग दिशा दे सकता है। तो बंगाल की बात करने से पहले मुझे लगता है कि जरा एक और सिलसिला बचता है जो कि कांग्रेस के आधार पर दिखाई देता है, तो आइए जरा उस पर पहले बात कर लेते हैं। हम बात करने जा रहे हैं, आपने इस बात पर गौर किया होगा कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रधानमंत्री नेता हुआ करते थे वो सारे नेता कांग्रेस में एक तरफ से हैं। अगर आप गांधी परिवार को सिर्फ छोड़ दें, और यहां मैं मेनका गांधी या फिर वरुण गांधी की बात नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना या फिर अन्य दलों से अपना संबंध हमेशा बनाए रखा, लेकिन अगर आप गांधी परिवार को छोड़ दें जिसने देश को प्रधानमंत्री दिए, तो बाकी जितने प्रधानमंत्री हमारे देश ने देखे हैं उन प्रधानमंत्रियों के परिवार के जो भी सदस्य आज राजनीति में हैं वो किस पार्टी में है, वो किस संगठन, किस समूह के साथ है, ये जानकर आपको अचरज होगा कि चाहे आप लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, चाहे आप देवगौड़ा जी की बात करें, चंद्रशेखर जी की बात करें, आप किसी की भी बात कर लें, यहां तक कि पीवी नरसिम्हा राव जी की बात कर लें, इन सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिजन एनडीए में शामिल है। क्या यह अपने आप में चौंकाने वाली बात नहीं है? क्या यह अपने आप में सोचने वाली बात नहीं, विचार करने वाली बात नहीं है कि गांधी परिवार को छोड़कर जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य राजनीति में आज सक्रिय हैं वो आज एक समूह, एक झंडे के नीचे हैं और वो है एनडीए। तो आइए सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएं कि कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं रहे हैं जो इस देश के, जिनके परिजन आज सक्रिय राजनीति में हैं। गांधी परिवार, जाहिर सी बात है, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तीन प्रधानमंत्री इस परिवार ने दिए और ये प्रधानमंत्री को देने वाला परिवार कांग्रेस पार्टी का एक अभिन्न अंग है और वहीं पर है। लेकिन अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री
ना, माफ कीजिएगा, मैं ये बताना चाह रहा था कि रीजनल पार्टियों में भी परिवारवाद की स्थिति है, ये अलग है। लेकिन आइए बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री का परिवार आज सुनील शास्त्री, जो कि भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं, उसके आगे अगर हम बात करें तो आज सिद्धार्थनाथ सिंह, जो कि शास्त्री जी के परिवार के हैं, वो भी आज बीजेपी में सक्रिय नेता हैं और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। जो हम आपके सामने रख रहे थे, शास्त्री जी के पोते सिद्धार्थनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। आइए अब इसके बाद बात करते हैं मुजफ्फर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े किसान नेता की। अजीत सिंह के पिता की बात कर रहे हैं, जिनके बेटे आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मौजूद हैं। हम चौधरी चरण सिंह जी की बात कर रहे हैं, उनके पोते जयंत चौधरी आज एनडीए में हिस्सेदार हैं, एनडीए के साथ खड़े हैं। इसके बाद हम अगले प्रधानमंत्री की बात करते हैं। जयंत चौधरी, जैसा कि हमने आपको बताया, ये तमाम सामने आ चुके हैं बातें। चंद्रशेखर के परिवार के सदस्य भी आज एनडीए के हिस्से में हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर आज राज्यसभा के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। एचडी देवेगौड़ा, उनकी पूरी पार्टी आज एनडीए का हिस्सा है, उनके बेटे भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग में चल रहे हैं। सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल के बेटे, जो कि नरेश गुजराल हैं, अकाली दल के साथ हैं, लेकिन बहुत चर्चाएं आम हैं और बड़ी हैं कि नरेश गुजराल भी बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया पीवी नरसिम्हा राव, उनके पौत्र और उनके बेटे दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। मनमोहन सिंह ही एक ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनके परिवार का कोई भी सदस्य सक्रिय राजनीति में नहीं है, और जाहिर सी बात है उनका कोई भी परिवार का सदस्य किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जब आप सिर्फ प्रधानमंत्रियों की ही बात ना करें, हम पूर्व राष्ट्रपति की बात करें या फिर पूर्व बड़े कांग्रेस के नेताओं की भी बात करें, जैसे कि आप बात करें प्रणब मुखर्जी के, राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उनके बच्चे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आप देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण, उनके पिता कांग्रेस में बहुत आगे थे, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं, सरकार में मंत्री हैं, उनके पिता कांग्रेस में हुआ करते थे। जितेन प्रसाद के पिता कांग्रेस में हुआ करते थे। ये तमाम लोग हैं जो कि जिनके परिजन कांग्रेस में वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, लेकिन आज ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये बात अपने आप में दीगर है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता या तो कांग्रेस को छोड़कर एनडीए की शरण में जा चुके हैं, या फिर उनके परिजन आज एनडीए से अलग हैं। हाँ, कुछ ऐसे रीजनल पार्टीज हैं जहां पर परिवारवाद की स्थिति अभी भी है। लालू प्रसाद का परिवार अपने कुनबे के साथ खड़ा है, मुलायम सिंह यादव का परिवार अपने कुनबे के साथ उत्तर प्रदेश में खड़ा है, डीएमके अपने दम पर खड़ा है और स्टालिन उसको लीड करते दिखाई दे रहे हैं, और शिवसेना दोफाड़ होने के बाद उद्धव ठाकरे अभी भी अपने गुट के साथ खड़े हैं, और ये भी एक परिवारवाद का एक अलग हिस्सा है। ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस में गांधी परिवार अपने पार्टी के साथ आज भी खड़ा है। लेकिन जब आप बाकी वरिष्ठ नेताओं की बात करते हैं, पूर्व प्रधानमंत्रियों की बात करते हैं, पूर्व राष्ट्रपतियों की बात करते हैं, उनके परिजन अगर सक्रिय राजनीति में हैं तो वो आज एनडीए की छत्र छाया है। तो आइए अब इसके बाद बात करते हैं, हम अपनी स्टोरी पर वापस लौटते हैं कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है, क्यों पश्चिम बंगाल आज इतना महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल को लेकर अभी एक बहुत ही ताज़ा स्थिति सामने आई है। लंबी बीमारी के बाद रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद का निधन हुआ। उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबा लेख लिखा, सभी अखबारों ने उन्हें प्रदर्शित किया है, उस लेख को प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वामी स्मरणानंद के विचार विकसित भारत के संकल्प शक्ति हैं। चुनाव होने के बावजूद इस महापर्व में भागदौड़ के बीच ऐसी खबर उनके मन और मस्तिष्क में कुछ पल के लिए एक ठहराव सा ला गई थी, और भारत की आत्मीय चेतना के प्रखर व्यक्तित्व होने की वजह से स्वामी स्मरणानंद जी महाराज, जो कि अब समाधि व्यक्त क्षण है, और कुछ वर्ष पहले उनका
उनसे बात करने का, उनसे मिलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका मिला था। बहुत लंबा लेख उन्होंने लिखा, अपने तमाम स्मरण सामने रखे और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रामकृष्ण मिशन का कितना बड़ा महत्व है आज बंगाल में। जाहिर सी बात है, यह प्रधानमंत्री का निजी अनुभव है, लेकिन हम सब मानते हैं ना कि राजनीति जब होती है तो उसमें निजी अनुभव का भी इस्तेमाल सही समय पर अगर किया जाए तो वो काफी कारगर होती है। रामकृष्ण मिशन की पहुंच पश्चिम बंगाल में कितनी है, हम में से कौन ऐसा है जो नहीं जानता। जाहिर से बात है, इसका असर दूर तक पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये खुद कोशिश करते रहे हैं कि 42 सीटों वाली पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी जगह मजबूत करे। भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली की पीड़िता को उम्मीदवार बनाकर चुनाव के मैदान में उतारा, टीएमसी की सरकार को बैकफुट पर रखा, उसके बाद जिस तरह से महुआ मोइत्रा के सामने एक बहुत ही प्रतिष्ठित उम्मीदवार को सामने रखा और इन दोनों नेताओं से, इन दोनों उम्मीदवारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही बात की फोन पर, तो आप समझिए कि पश्चिम बंगाल आज कितना इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इसके लिए समझना जरूरी है, कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। 42 सीट हैं लोकसभा में पश्चिम बंगाल में। 2019 में लोकसभा का जो सीटों का बंटवारा था, तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी, 43.3% वोट शेयर था। भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली, 40.7% वोट शेयर था। कांग्रेस को 2 सीटें मिली, 5.67% वोट शेयर था और लेफ्ट 6.33% वोट शेयर के साथ सबसे नुकसान में रहा। अब अगर हम 2014 की बात करें तो वहां स्थिति क्या थी, तभी आप कंपैरिजन कर पाएंगे। 2014 में जो लोकसभा की स्थिति थी वो आपके सामने है। तृणमूल कांग्रेस ने 2014 में 34 सीटें जीती थी 39.8% वोट शेयर के साथ और भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती थी 17% वोट शेयर के साथ। अब ऐसे में यहां पे मैं एक कंपैरिजन आपके सामने रखना चाहता हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर था 17%, 2019 में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर था 40% से भी ज्यादा, 43% के आसपास तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर, यानी कि सिर्फ 3% वोट शेयर कम था भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में 2019 में। अब आप समझ रहे हैं ना क्यों महत्वपूर्ण है यह 42 सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए। 18 सीटों को जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने प्रचार प्रसार और पश्चिम बंगाल में उपस्थिति को दर्ज किया, आज स्थिति यह बनती हुई दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में भी काफी आगे बढ़ती दिख रही थी। यह मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी डेटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हम, 2021 के विधानसभा के डेटा अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। 2021 के विधानसभा में जब आप देखेंगे तो वहां स्थिति बड़ी स्पष्ट है। 214 सीटें टीएमसी को मिली 48.2%, भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिली 38% के आसपास वोट शेयर था। लोकसभा में 40% प्लस वोट शेयर 2019 में, 2021 में विधानसभा में 38% से भी ज्यादा वोट शेयर दूसरे नंबर की पार्टी। यानी कि आज पश्चिम बंगाल बाइपोलर हो चुका है, लेफ्ट फ्रंट न की स्थिति में है, विधानसभा में शून्य, लोकसभा में शून्य। जाहिर से बात है 6% के आसपास का वोट शेयर आज लेफ्ट फ्रंट के पास है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। कांग्रेस ने विधानसभा के चुनाव में 4.5% के आसपास वोट शेयर हासिल किया था, लेकिन कोई सीट नहीं मिली थी। लोकसभा में 2 सीटें मिली जरूर, लेकिन किस तरीके से कांग्रेस लगातार नीचे गिरती चली जा रही है, उसका ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, यह भी स्पष्ट है। यानी आज पश्चिम बंगाल में लड़ाई 2 पार्टियों के बीच में है, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। अब ऐसे में कौन सी पार्टी कहां अपना कैसा दाव खेल रही है, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को 2 सीटों से 18 सीटों तक उठाया था 5 साल के भीतर में, 2014 से लेकर 2019 के बीच में वोट शेयर भी बढ़ाया। अब इसे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया, CAA जो कि 2019 में पारित किया गया था, उसे कार्यान्वित चुनाव की घोषणा से ठीक पहले किया गया। अब ऐसे में उम्मीद यह है कि मथुरा समाज जो कि बहुत बड़े पैमाने पर 24 परगना और उत्तर 24 परगना और उसके साथ साथ नांदिया क्षेत्र में काफी प्रभाव डाल सकता है,
उस वोट बैंक को पूरे तरीके से संयोजित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ बंगाल में बहुत डोमिनेंट रोल प्ले कर रही है। 10 में से 7 सीटें नॉर्थ बंगाल की भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीती। अब ऐसे में जब मथुआ समाज का भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई देगा तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि नॉर्थ 24 परगना और उसके साथ साथ नांदिया क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा मिलेगा और सीटों में इजाफा होगा। इसके साथ साथ कोलकाता और उसके आसपास के तमाम जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी CAA के इस्तेमाल से एक अच्छी स्थिति में आती हुई दिखाई दे सकती है। इसलिए CAA बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां पर एक छोटी पेच फंस गई और वो पेच ये फंसा कि नॉर्थ बंगाल में राजवंशी जो एक समुदाय है उसका बहुताय है और ये समुदाय बांग्लादेश से आकर भारत में शरण लिए हिंदुओं को अपना नहीं मानता। CAA की वजह से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को नॉर्थ बंगाल में शायद नुकसान हो सकता है। लेकिन जब हम तृणमूल कांग्रेस की तरफ देखते हैं और उसके बाद उस तृणमूल कांग्रेस के पास पहुंचते हैं और वहां पर इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं कि वहां पर क्या स्थिति चलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहां यह बात स्पष्ट होती है कि तृणमूल कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की है। तृणमूल कांग्रेस ने तय किया कि वो खुद अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने इंडिया अलायंस में कोई भी बात सामने नहीं रखी। इसके लिए कांग्रेस भी बहुत बड़े पैमाने पर जिम्मेदार है और वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो ममता बनर्जी और TMC के बड़े नेताओं से बातचीत करता रहा, लेकिन लोकसभा में अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस की तरफ से जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं उनको खुली छूट दी गई कि वो जो चाहें जैसे चाहें वैसे बोलते रहें और कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ आग उगलता रहा। इस मिक्स्ड सिग्नल को ममता बनर्जी ने समय रहते ही बहुत अच्छे तरीके से भांप लिया। इसी स्थिति में ममता बनर्जी ने खुद अपने 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का निश्चय किया। जाहिर सी बात है ये ममता बनर्जी के लिए स्ट्रेटेजिक एक डिसीजन था, लेकिन अगर गठजोड़ बन जाता तृणमूल कांग्रेस और उसके साथ साथ कांग्रेस के बीच में तो जरा देखिए 43% से भी ज्यादा वोट शेयर 2019 के लोकसभा के चुनाव में TMC को मिला था और तकरीबन 4-4.5% के आसपास कांग्रेस का वोट शेयर था। कांग्रेस का वोट बैंक और तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक लगभग समानांतर है, पैरेलल है। ऐसे में एक ही बेस पर दोनों पार्टियां जब खड़ी होती, एक दूसरे के लिए मददगार साबित होती और एक दूसरे के साथ समन्वय कर आगे बढ़ती तो वोट शेयर के बढ़ने की उम्मीद और गुंजाइश कहीं ज्यादा थी। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़ी कर रही है। अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ आग उगलते दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस को अपना नहीं मान रही, कांग्रेस को वहां पर हर तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है और इसका फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा इसलिए बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा क्योंकि ममता बनर्जी का गढ़ जो कि बांग्लादेश से सटे तमाम इलाके, कोलकाता और उसके आसपास के इलाके, 24 परगनाज, नांदिया और बाकी तमाम क्षेत्र और उसके साथ साथ मुर्शिदाबाद और मालदा का क्षेत्र है, इन तमाम क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इन क्षेत्रों में जो कांग्रेस का वोट है वो ममता बनर्जी के पास यानी कि TMC के पास ट्रांसफर होगा नहीं और अल्टीमेटली ये एक कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिसने अपने लिए 35 सीटों का लक्ष्य रखा है, 42 में से 35 सीट अगर वो 20 का आंकड़ा भी क्रॉस कर लेती है पश्चिम बंगाल में तो इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें काफी बेनिफिट मिलने वाला है। और आइए आज की आखिरी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हम सब जानते हैं कि अभी ILO यानी कि इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने रखी है कि कैसे बेरोजगारी हिंदुस्तान में लगातार बढ़ती चली जा रही है। यह रिपोर्ट जैसे ही सामने आई मोदी सरकार विपक्ष खड़े तमाम लोगों को राहत की सांस मिल गई कि कितना अच्छा हुआ, एक बड़े पैमाने पर सब कुछ सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बेरोजगारी का रोना तो कांग्रेस लगातार रोती रही और उसके साथ साथ तमाम विपक्षी दल भी। ILO की रिपोर्ट के आधार पर
बेरोजगारी में सबसे बड़ी संख्या युवाओं की निकल कर आ रही है। और एक बात और स्पष्ट होती दिखाई दे रही थी कि 90% नौजवान हिंदुस्तान में आज कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब यानी कि टेम्पररी जॉब कर रही है। स्थायी नौकरियां लगातार घटती चली जा रही हैं। ऐसे में अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, पढ़े लिखे बेरोजगार आज देश में बड़ी संख्या में आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर तो स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। हम आपके सामने कुछ और आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। 2000 और 2022 में पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की संख्या लगातार बढ़ी है। 35% के आसपास बेरोजगार थे 2000 में, जो कि बढ़कर 65% हो गए, और इसमें महिलाओं की संख्या और भागीदारी कहीं ज्यादा होती हुई दिखाई दी। इन तमाम आंकड़ों को जब आप देखें तो आपको लगता है कि स्थिति वाकई में बहुत खराब होती दिखाई दे रही है। लेकिन क्या वाकई में नौकरियां इतनी कम हो रही हैं? मैं अब आपके सामने वो ताज़ा आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ सरकारी सेक्टर के सामने भी है। कोरोना काल में भारत में बेरोजगारी की दर 13.5% पार कर गई थी, यानी कि 13.5% नौजवान, 13.5% ऐसे लोग जो कि काम काज कर सकते थे, उनके पास कोई काम नहीं था। उसके बाद से लेकर अभी तक जो ताजा आंकड़े आए हैं, बेरोजगारी 6.6% पर आज भारत में है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये आंकड़े अपने आप में बहुत ज्यादा है, क्योंकि औसतन बेरोजगारी दर हिंदुस्तान में 5% से नीचे रही है। लेकिन क्या इसके लिए आज सिर्फ और सिर्फ बड़े पैमाने पर सरकार जिम्मेदार है? इस बारे में अब आपको समझना पड़ेगा, और वो इसलिए क्योंकि हमने देखा कि कोरोना काल में पूरी दुनिया को कितना बड़ा झटका लगा, और ये झटका इतना बड़ा था कि देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर की इकॉनमी ध्वस्त हो गई। बेरोजगारी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बढ़ी, अमेरिका में बढ़ी, पूरे यूरोप में बढ़ी, लैटिन अमेरिका में बढ़ी, अफ्रीका में बढ़ी। अमेरिका में बेरोजगारी दर तकरीबन 12% के आसपास पहुंच चुका था, यूरोप में बेरोजगारी दर 18% से भी ज्यादा। तमाम देशों ने अपने अपने स्तर पर बेरोजगारी कम करने की कोशिश की है। आज भी अमेरिका में करीबन 7% के आसपास बेरोजगारी दर है, जो कि आज तक अमेरिका में कभी देखने को नहीं मिला, हिस्टोरिकली हाई माना जा रहा है। पूरे यूरोप में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, और यह स्थिति बहुत गंभीर है। मसलन मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखूं, बीते 3 साल में ब्रिटेन में 80 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं। 3 साल में 80 लाख नौकरियां ब्रिटेन में गई हैं। अमेरिका में तकरीबन 22 लाख लोगों की नौकरी, जो कि आईटी सेक्टर में काम किया करते थे, बीते 2 साल में गई है। आप हिंदुस्तान की ही बात कर लीजिए, अगर हम सिर्फ जो टॉप 5 आईटी सेक्टर कंपनियां हैं उनकी बात कर लें, 12 लाख से ज्यादा आईटी सेक्टर में काम करने वालों की नौकरियां बीते 2 साल में गई हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आज पूरी दुनिया में आईटी सेक्टर के साथ साथ तमाम अन्य सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहा है। डिजिटाइजेशन ने काम करने के तरीके और कामकाज के तरीकों को बड़े पैमाने पर बदल दिया है। उसके साथ साथ मैकेनाइजेशन और रोबोटिक्स ने और भी बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ा दी है। यह ठीक वैसा ही दौर है आज जो दुनिया देख रही है, और खास करके भारत देख रहा है, जो दौर 1985 से लेकर 1995 के बीच में भारत में था। जो लोग उस वक्त काम किया करते होंगे, नौजवानों के लिए तो खैर वो दौर बहुत था ही नहीं, आप शायद उस समय पैदा नहीं हुए, आप अपने पिताजी से और बाकी लोगों से बात कर सकते हैं। लेकिन 1985 से लेकर 1995 के बीच में जब हिंदुस्तान में कंप्यूटराइजेशन बड़े पैमाने पर हो रहा था, उस वक्त बेरोजगारी दर 8.5% पहुंची थी, 8.5%। और उस वक्त हर कोई यह कहता था कि कंप्यूटर की वजह से लोगों की नौकरियां कट गई। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके साथ साथ इंटेलिजेंस जो आपको जो आर्टिफिशियल रोबोटिक्स, ये तमाम चीजें नौकरियों को एक नया स्वरूप दे रही हैं। भारत में आईटी सेक्टर में इतने बड़े पैमाने पर छटनी क्यों हुई, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि भारत ने 1995 के बाद से जो कंप्यूटर की ट्रेनिंग देनी शुरू की,
वो डेटा कोडर्स की थी। अब एआई, आर्गुमेंटेटिव लर्निंग, इसके आधार पर कोडर्स की आवश्यकता नहीं है, ये काम मशीन कर रहा है। जब मशीन ये काम कर रहा है तो फिर काम करने वाले नौजवानों की जरूरत क्यों है? तो इसकी इस पूरी समस्या का जड़ क्या है? इस समस्या का जड़ ये है कि अब नौकरी का स्वरूप बदल चुका है। अब आपको डेटा मैकेनिक्स या फिर कोडर्स नहीं चाहिए, अब आपको एआई स्पेशलिस्ट चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट, जो अब धीरे धीरे बनने तैयार हो रहे हैं, यानी कि अब पढ़कर लोग आगे बढ़ रहे हैं। यही हाल बाकी सेक्टर्स में है। मैन्युफैक्चरिंग में जब आप रोबोटिक्स का बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो कार बनाने वाली कंपनियों में रोबोट्स कार बना रहे हैं। अब मैनुअल स्तर पर बड़े पैमाने पर लोगों को कार बनाने वाली कंपनियों में नौकरी नहीं मिल रही। काम का यानी कि रोजगार का नेचर बदल रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर यह बदलाव हो रहे हैं और ये बदलाव हिंदुस्तान में भी हो रहे हैं। इसे देखते हुए आज जो महत्वपूर्ण बात आपके सामने हम रखना चाहते हैं, सरकार ने भी बीते 3 सालों में लर्निंग के नए प्रोसेसेस सामने रखे हैं, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और उसके आधार पर उसमें कैसे ग्रेडेड तरीके से आप बाहर निकलकर रोजगार हासिल कर सकते हैं और फिर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं या फिर आप जॉब ओरिएंटेड काम शुरू कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में वक्त लगेगा, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर काफी आमदा हो जाती हैं कि वो सरकारी नौकरियां देंगी। कांग्रेस ने कहा 30 लाख नौकरियां देंगे। सवाल ये उठता है साहब कि 30 लाख नौकरियां अगर आप लोगों को देंगे, उसके देने के लिए उस तमाम नौकरियों में जो लोग आएंगे तनख्वाह तो देनी होगी, इसके लिए पैसे कहाँ हैं? और अगर सरकार के पास इतनी नौकरियां होती तो बिना उन लोगों को नौकरियां दिए वो काम चल कैसे रहा है? जाहिर सी बात है, नौकरियों का स्वरूप बदल रहा है। ये 80 और 70 के दशक का भारत नहीं है जहां सरकारी नौकरी ही अपने आप में एंड है। आज सबसे ज्यादा नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में है, आज सबसे ज्यादा नौकरियां कॉन्ट्रैक्चुअल है, आज सबसे ज्यादा नौकरियां सेल्फ बिजनेस पर है। और इस आधार पर अगर आप देखें तो भारत में बेरोजगारी दर वैसी नहीं बढ़ रही जो दुनिया के तमाम देशों में देखने को मिल रही है।